हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अनियन टोमेटो और मेयोनीज की क्रिस्पी सैंडविच की ये रेसिपी। ये बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है, बच्चों से लेके बड़े सबको ये बहुत पसंद आती है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि इसे बनाना है बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों से बनकर ये रेडी हो जाती है। तो चलिए मैं बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ अनियन टोमेटो मेयोनीज की क्रिस्पी सैंडविच। सैंडविच बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसमें से क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है। तो हमारा सैंडविच सॉगी ना हो, सॉफ्ट जल्दी ना हो और क्रिस्पीनेस भी बनी रहे, उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में और देखिएगा कैसे बनाती हूँ मैं क्रिस्पी सैंडविच। अनियन टोमेटो मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 टोमेटो को भी फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने वेजिटेरियन मेयोनीज को लिया है, एगलेस मेयोनीज, ये लगभग 1 टेबलस्पून के बराबर है। कुछ चिली फ्लेक्स, 3 ग्रीन चिली मैंने फाइनली चॉप कर ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर हमारी सैंडविच को सेकने के लिए ले लिया है बटर, साथ में स्वाद अनुसार नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और कुछ मैंने कोरिएंडर लीव्स को फाइनली चॉप करके रख लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है ब्राउन ब्रेड, आटे वाली ब्रेड, आप चाहें तो यहाँ पर वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ अनियन टोमेटो मेयोनीज की क्रिस्पी सैंडविच, आइए देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले ली है, अब मैं इसमें डालूंगी ये फाइनली चॉप्ड अनियन, तो हमारी सैंडविच में फाइनली चॉप्ड हुए अनियन ही अच्छे लगते हैं। फाइनली चॉप्ड टोमेटोज, टमाटर, इसके अलावा फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, ये जो मैंने मेयोनीज ली है इसे मैं इसमें मिला दूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मेयोनीज ली थी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूंगी, लगभग चुटकी भर, थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये धनिया पत्ती, इससे थोड़ी सी फ्रेशनेस आएगी और अच्छा भी लगेगा इसका टेस्ट। एक पिंच के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर, ये जो हमारा नमक है मैं इसमें अभी इसे ऐड नहीं करूंगी। उसका रीजन ये है कि अगर मैं अभी इसमें नमक को ऐड कर दूंगी तो जो हमारा सैंडविच के अंदर का जो ये मटेरियल है वो सॉगी हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा, वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। क्रिस्पी पना जो हमारा बाहर से तो दिखेगा लेकिन हमारा जो ब्रेड है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी टोमेटोज है वो भी पानी रिलीज करेगी और अनियन है वो भी पानी रिलीज करेंगे। तो इसीलिए मैं नमक को अभी नहीं मिला रही हूँ, बाकी इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। आप क्या करते होंगे कि पहले सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड को बटर में अच्छे से सेक लेते होंगे और उसके ऊपर फिर मेयोनीज को स्प्रेड करते हैं और फिर डाल देते हैं ये कट किए हुए हमारे अनियन टोमेटोज और ग्रीन चिलीज। लेकिन उससे क्या होता है कि कहीं पर मेयोनीज ज़्यादा और कहीं पर कम, तो हमें एक जैसा टेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप मेयोनीज को इसी के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जो हमारा टेस्ट है वो बिल्कुल इक्वल आता है, सेम प्रोपोर्शन रहता है इसका और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने ऐसा पहले ट्राई नहीं किया है तो एक बार कर लीजिएगा, मेयोनीज को इसी में ही मिक्स कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं अपनी ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं उन्हें थोड़ा सा सेक लेती हूँ। गैस पर मैंने एक पैन को ले लिया है और इसमें मैं थोड़ी सी लगाऊंगी बटर इस तरह से। तो ये जो बटर है
इसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। और इसमें मैं अपनी जो ये ब्रेड की स्लाइस है इसे इस तरह से दोनों साइड में ऐसे करके रखूंगी। तो यहाँ मैं अपनी दोनों ब्रेड की स्लाइसेस में हल्का हल्का करके ये बटर जो है उसे स्प्रेड कर ले रही हूँ। एक स्लाइस को मैंने अभी अलग कर लिया है, दूसरी स्लाइस को मैं सेकने देती हूँ। और इसे हल्का हल्का प्रेस करके मैं इस तरह से थोड़ा सा सेक लूंगी। तो इधर मैंने पैन में अपनी ब्रेड को हल्का सा सेकने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है और आपको मैंने बताया था कि मैंने इस मटेरियल में अभी नमक को ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं पहले नमक ऐड करती तो ये सॉगी हो जाता, गीला हो जाता। तो अब मैं इसमें करूंगी नमक को ऐड। ध्यान रहे म्योनीज में भी हल्का नमक होता है, इसीलिए आप थोड़ा सा कम नमक ही डालिएगा या अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें नमक को ऐड कीजिएगा। और अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो मैंने इसे कर लिया है अच्छे से मिक्स और अब मैं इस मिक्सचर को डालूंगी अपनी ब्रेड पर इस तरह से। तो आप जितना अच्छा भर भर के डालना चाहते हैं तो भर के डालिए, आपको कम भरना पसंद है तो कम भर के डालिए, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से सब जगह से फैला दिया है। गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो की हुई है मैंने। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको अपने हाथ से एडजस्ट कर लूंगी। और जो ये ब्रेड की मेरी दूसरी स्लाइस थी जिस पे मैंने हल्का सा बटर लगाया था उसे भी मैं इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। और अपनी इस ब्रेड को, क्योंकि वो निचली सतह से अच्छे से सिक चुकी है, उसे मैं ले लूंगी इस पे और थोड़ा सा बटर मैं एक बार और नीचे इस तरह से लगा लूंगी। और जो ये ब्रेड है इसको मैं इस तरह से कर दूंगी, पलट दूंगी। तो इसमें हमने अच्छे से लगा लिया है बटर। गैस की फ्लेम बिल्कुल मैंने लो की हुई है और मैं इसे अच्छे से क्रिस्प होने दूंगी, अच्छे से क्रिस्पी होने दूंगी। उसके लिए मैं क्या करूंगी, रखूंगी एक प्लेट। और ये जो मेरा हमेशा अदरक कूटने वाला है ना, जो आप ज़्यादातर मेरी वीडियोस में देखते होंगे, उसे मैं रख दूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा वेट। तो इसके वेट से क्या होगा, जो हमारा ये ब्रेड है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। फिर तो मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ, ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए ये कितना क्रिस्पी हो गया है। एक बार मैं ब्रेड को इस तरह से फोल्ड करके चेक कर लूंगी। वाओ, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और बहुत क्रिस्पी है ये। देखिए आप इसकी आवाज सुन सकते होंगे। तो ये सैंडविच हो गया हमारा रेडी और बहुत झटपट ये रेडी हो जाता है। तो ले लेती हूँ मैं इसे अपनी सर्विंग प्लेट में। तो मैं अब कर दूंगी गैस की फ्लेम को ऑफ और अपने इस क्रिस्पी सैंडविच को ले लूंगी इस प्लेट में। देखिए कितने क्रिस्प बने हैं ये। इस तरह से मैं अपने और भी सैंडविच को रेडी करती हूं और फिर आपको इसे कट करके दिखाती हूं। तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल भरा हुआ सॉफ्ट और बाहर से कितना क्रिस्प है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।